दोस्तों, आज पूरे देश की आंखें नम हैं। 14 फरवरी जिस दिन पूरा देश वैलेंटाइन डे मना रहा था, उस दिन आतंकियों ने ऐसी वारदात को अंजाम दिया कि हमारे पूरे देश में गुस्से का सैलाब उभर पड़ा। दोस्तों, 14 फरवरी को सीआरपीएफ के जवान ट्रकों में कुछ लोग अपनी छुट्टियों को मना करके वापस आ रहे थे और उसी पल आतंकियों ने एक ऐसा हमला किया जिसमें 45 से 50 जवान शहीद हो गए। दोस्तों, हम ऐसे हमले की निंदा करते हैं, हमारे अंदर भी गुस्सा है और आज इस पर चर्चा करने के लिए, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हमारे साथ दो और लोग भी इस वीडियो में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। उनमें से सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा श्री प्रखर जी को। प्रखर जी, कृपया आकर के आप अपनी सीट लीजिए और आगे की चर्चा को बढ़ाएंगे। नमस्कार। साथ ही हमारे साथ सुशील जी भी हैं, जो कि बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं और स्कॉलर हैं। सुशील जी, कृपया आप भी स्थान ग्रहण करें। दोस्तों, जो कुछ भी आतंकियों ने किया है वो माफ करने के काबिल तो बिल्कुल भी नहीं है। पूरे देशवासियों में गुस्सा है, लोग प्रेशराइज कर रहे हैं, मीडिया, न्यूज़पेपर, सभी तरीके की मीडिया, लोगों में इतना गुस्सा है कि वो प्रेशराइज कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि वो जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ एक्शन ले। कोई कह रहा है सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए, कोई कह रहा है पाकिस्तान पर अटैक करना चाहिए, कोई कह रहा है कि चाइना इसको सपोर्ट कर रहा है, कई तरीके की बातें हैं। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कि आतंकी ऐसा क्यों करते हैं और हम देशवासी होने के नाते ऐसे मौके पर क्या कर सकते हैं। तो प्रखर जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि ये इस तरीके का जो ये इन्होंने घटना को अंजाम दिया है और वाकई ये माफ़ी के काबिल नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि ये आतंकी क्या साबित करना चाहते हैं इससे? ये आतंकी पूरे देश में अपनी दहशत फैलाना चाहते हैं। पूरे देश में नहीं बल्कि ये पूरी दुनिया में अपना रौब झाड़ना चाहते हैं। पूरी दुनिया पर ये अपना ताकत जो है पूरा घेर के रखना चाहते हैं, अपने काबू में करना चाहते हैं पूरी दुनिया को अपने बलबूते पर। और इनको जो पीछे से फोर्सेज हैं, जैसे कि और जो देश हैं, कुछ लोगों का कहना यह भी है जैसे कि चीन इनको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है, प्लस इसके अलावा और देश भी हैं जो कि इनको पीछे से सपोर्ट देते रहते हैं। क्योंकि ये आतंकवाद जो संगठन है, ये कोई बहुत बड़ा संगठन नहीं है। अगर ये देखा जाए तो बहुत ही हमारे पूरे इंडिया में कोई अगर एक शहर भी है छोटा सा, तो सिर्फ उसके बराबर है। लेकिन इसका जो दहशत है वो इतना ज़्यादा बना हुआ है पूरे देश में और पूरी दुनिया में कि लोग इससे कांप उठते हैं। लेकिन इससे हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो सरकार है, हमारी जो गवर्नमेंट है और हमारे साथ में जो हमारी सेना खड़ी हुई है, जिस पर हमें पूरा भरोसा है, वो ज़रूर हमें इससे निजात दिलाएगी। और हमें ज़बरदस्ती करके सरकार पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहिए, ना ही सरकार पर कोई ज़बरदस्ती करनी चाहिए, ना ही हमें कोई ऐसे नारे लगाने चाहिए कि हमारी सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। क्योंकि हमारी जो सरकार है, सरकार भी हमारे देश के बारे में जानती है, उसे पता है कि हमें अपने देशवासियों को कैसे सुरक्षा देनी है। इसी को देखते हुए सरकार एकदम ठोस कदम लेगी और ऐसे कदम लेगी कि ये जो आतंकवाद है ना सिर्फ इंडिया से बल्कि पूरी दुनिया से भी खत्म हो, इसके लिए कोई बड़ा एक्शन सरकार जरूर लेगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। जी हाँ प्रखर जी, और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि इस इवेंट के बाद सिर्फ एक दल नहीं बल्कि सारे दल, सभी दल सरकार के साथ हैं और इसमें सारे सरकार के साथ हैं, उन्हें भी ये लगता है कि ये किसी राजनीतिक पहल का मुद्दा नहीं है कि राजनीति में अपनी रोटियां सेकी जाएं। इसीलिए सारे ही दल इस मौके पर एकजुट होकर के खड़े हैं और सरकार को सभी का सपोर्ट है और वो चाहते हैं जो कुछ भी हो वो सरकार और सभी दल पूरा देश मिलकर के ही करें। बिल्कुल। तो यार सुशील जी, आपको कैसा लगता है जब ये इस तरह का इवेंट होता है तो लोग आपस में कहना शुरू कर देते हैं कि अरे ये तो 40 लोग मारे हैं और पहले 20 मारे थे, तो अब और बड़ा अटैक होना चाहिए। तो सुशील जी, क्या आपको लगता है कि किसी आतंकी संगठन की वजह से, जैसे किसी देश को अभी प्रत्यारोप कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि पाकिस्तान ने करवाया है, कोई कह रहा है कि चाइना ने करवाया है, हालांकि इसका कोई सच प्रूफ ना तो हमें मालूम, हो सकता है कोई प्रूफ सरकार के पास हो, लेकिन क्या किसी देश पे हमला करने से इन चीज़ों का समझौता हो सकता है, कुछ हल निकल सकता है? क्या समझते हैं आप, कैसे हल निकल सकता है, आतंकवादियों को कैसे हम खत्म कर सकते हैं? तो दोस्तों, मैं इस टॉपिक पर ये कहना चाहूँगा कि
हम लोगों को सबको साथ चलना चाहिए और हमें आपस में नहीं टकराना है, हिंदू मुस्लिम नहीं करना है और बीजेपी और कांग्रेस नहीं करना है, सपा भी, ये सारे बेकार की चीजें हैं, इससे देश में बंटवारा होता है और कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें एकजुट कर काम करना है और मिलजुल करके इस चीज का समर्थन करना है। जी हाँ सुशील जी, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि आतंकवादी तो चाहते ही यही है कि पहले वो यहाँ दहशत फैलाएं और उसकी वजह से हम सारे लोग अलग हो जाएं। हाँ, हम लोग अलग हो जाएं, लेकिन हमें दोस्तों ये बिल्कुल भी नहीं करना है। वो चाहे कितनी भी लाख कोशिशें कर लें, लेकिन हमें एकजुट होकर ही रहना है। ना हमें जात देखनी है, ना धर्म देखना है, कुछ भी नहीं देखना है, सिर्फ एक चीज देखनी है, वो है देश प्रेम। हम सब भारतीय हैं, वी ऑल आर इंडियंस, इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इरेस्पेक्टिव ऑफ रीजन, इरेस्पेक्टिव ऑफ आवर कास्ट, जो भी कुछ हो, हम सब मिलकर के भारतीय हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता आपका रिलीजन क्या है, आप अगर भारत में रह रहे हैं तो आपकी नागरिकता यही है भारतीय, यानी आप एक भारतीय हैं। और सारे के सारे लोग जो भी भारतीय हैं, आपस में मिलजुल करके ही इस समस्या का समाधान करें, किसी पर प्रेशर ना बनाएं, किसी को भला बुरा ना कहें। अगर भला बुरा किसी को कहना है तो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद को कहें, इसको खत्म करने के लिए मुहिम शुरू करें, एक दूसरे का सपोर्ट करें, ना कि आपस में ही एक दूसरे का अपोज करें। क्योंकि हम सबको मिल करके जब कोई हम बड़ा एक्शन लेंगे तो सामने वाले को लगेगा यार ये सब तो एकजुट हो गए, हम तो इनको अलग करना चाहते थे, ये सब एक साथ मिलकर के हमसे हमला करेंगे हमारे ऊपर, तो जाहिर सी बात है कि उसमें भी दहशत हो जाएगी और वो भी फिर डर कर यहाँ से भाग जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैंने कुछ लोगों को ये भी कहते सुना था, कुछ लोग अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो कह रहे थे कि अरे वो जीप कहाँ से घुस गई, इतनी सिक्योरिटी होती है, वो जीप कैसे इतना सारा बारूद लेकर के घुस गई। वो जो जीप थी वो हरियाणा की जीप थी, HR उस पर नंबर था, उससे पता चला कि हरियाणा से वो जीप चुराई गई है या ली गई है या मंगाई गई है, तब वो जाकर के वहां पर पहुंची। लेकिन लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन मुझे जो लगता है लोगों को सवाल इस पर ना उठा के अपनी आर्मी पे भरोसा करना चाहिए, क्योंकि देखिए गलतियों की बात तो ऐसी है कि कोई भी परफेक्टली प्रूफ तो कर ही नहीं सकता, परफेक्टली कोई भी चीज़ सिक्योर नहीं हो सकती है। हमें सिर्फ अपनी जो सेना है उस पर भरोसा रखना है कि वो जो भी करेगी, सेना में भी बहुत गुस्सा है। आप ये सोचिए कि हम लोग तो यहाँ देश के अंदर चार दीवारी में बंद है, आराम से अपने घरों में बैठे हुए हैं, वहाँ जिन लोगों के साथियों की जान गई है, जिन माओ ने अपने बेटे खोए हैं, जिन बीवियों ने अपने पति खोए हैं, उनके दिल पर क्या बीत रही होगी और क्या उनके मन में गुस्सा नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, गुस्सा सभी के अंदर है, लेकिन अभी उस गुस्से को खत्म नहीं करना है, गुस्से को हमें सिर्फ अभी रोक के रखना है, और वो तब के लिए कि हमारी जो सेना है, हमारी जो सरकार है, वो हमें पूरा भरोसा रखना है कि वो जरूर कुछ ना कुछ ऐसा डिसीजन लेगी जिससे कि आतंकवाद सिर्फ एक साल या दो साल के लिए नहीं बल्कि पूरा जड़ से खत्म हो जाए। और दोस्तों ये तो सरकार को जो करना है वो तो करना ही है, हमें अपना समर्थन पूरा सरकार के साथ रखना है, हमें यहाँ पे एकजुट रहना, कभी बटना नहीं है। दोस्तों ये तो था जो हमारे विचार हैं वो इस मुद्दे को लेकर के, हमें गुस्सा भी है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी हमें शांत रहना है, और जो आतंकी चाहते हैं कि हम लोग दहशत में रहें, वो हमें दहशत में नहीं आना है और एकजुट करके सरकार का समर्थन करना है। दोस्तों हमें एक साथ रहना है, मिलजुल के रहना है, आपस में नहीं बटना है, तो यही मैं आपसे कहना चाहूँगा दोस्तों। तो दोस्तों बस आज की इस सभा को यही हम समाप्त करते हैं, हमारे बस विचार आपसे शेयर करने का बस यही थे कि कैसे भी करके हमें अपने इस आतंकवाद को खत्म करना है, अपनी सरकार का साथ देना है, एक दूसरे पर भरोसा करना है, आपस में हिंदू मुस्लिम नहीं करना है, आपस में बीजेपी कांग्रेस या बसपा ये सब नहीं करना है, हम तो भारतीय होने के नाते सबको एकजुट होकर के इस आतंकवाद से लड़ने के लिए एक दूसरे को सपोर्ट करना है, जिससे कि आतंकवाद पूरा यहाँ से खत्म हो जाए, कभी दोबारा इस भारत की तरफ आंख उठा करके ना देखे, अपनी सरकार पर दोस्तों भरोसा करना है। तो चलिए दोस्तों बस मिलेंगे फिर आपसे अगले किसी एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।